गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन फाइन एट योर होम. ओके, नाउ क्लास सेकंड स्टूडेंट्स टेक आउट ऑफ योर डिस्कवरिंग ईवीएस बुक. ओके, लुक एट दिस बोर्ड एवरीवन. क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, आपको ईवीएस की बुक ओपन करनी है अपनी. आज हम चैप्टर 5 रीड करेंगे. विच चैप्टर? चैप्टर 5. उसमें क्या है, प्लांट्स के बारे में बताया गया है. हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, तो उनके बारे में बताया गया है. प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स मींस पेड़ पौधे, अराउंड हमारे, अराउंड मींस चारों ओर, अस मींस हमारे, हमारे चारों ओर के प्लांट्स. ओके, आप सबने प्लांट्स देखा है, देखिए ना. हाँ, आपके घर के आसपास, सबके आसपास होते हैं. तो प्लांट्स में क्या क्या होता है आपने देखा है, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, आपको लर्न है, याद है आपको कि प्लांट्स में क्या होती है. लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होता है. फ्रूट्स हम खाते हैं ना, हम सब बच्चे फ्रूट्स खाते हैं. फ्लावर्स की बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी आती है इसकी फ्रेग्रेंस. और ये क्या है, फ्रूट्स, हम सब फ्रूट्स खाते हैं. और प्लांट्स किससे खड़ा होता है, स्टेम के ऊपर खड़ा रहता है. और प्लांट्स का कुछ पार्ट ये आपकी लैंड है, जमीन है, इस जमीन के नीचे होता है. उस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट. क्या कहते हैं इस पार्ट को, रूट. अच्छा, आपने देखा है कभी किसी प्लांट्स के जमीन के नीचे का पार्ट? नहीं देखा. ओके, नहीं देखा तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ. अपने कैरेट देखिए, देखिए ना, सभी ने, हम सब गाजर खाते हैं. अभी गाजर का हलवा सर्दी में बहुत अच्छा लगता है सबको. विंटर में हम सब गाजर का हलवा खाते हैं ना, मम्मा बनाती है ना. तो हाँ, उस गाजर के ऊपर क्या होता है, या आपकी गाजर है. ठीक है, इसमें क्या होता है, रूट सिटी होती है. ऐसे ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना, हेयर भी किए होते हैं ना, देखा है आप सबने. हाँ, तो जो रूट्स होते हैं वो प्लांट का नीचे का पार्ट होता है, जो जमीन के अंदर होता है. जमीन के अंदर के वाले पार्ट को हम कहते हैं रूट्स. ये पार्ट क्या करता है, जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इस प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. ओके, समझ में आया? ये जो प्लांट होता है एक सीड से बनता है. जैसे ये सीड है, आपने मूंगफली देखी ना, मूंगफली का दाना, उसको आप जब आप किसी मिट्टी में डालोगे, उस मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे, तो उसमें नमी होगी. नमी होगी तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा. इसमें ऐसे ऐसे रेशेस आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ये बड़ा होकर धीरे धीरे ग्रो करेगा और छोटा सा प्लांट बन जाएगा. तो इस प्लांट का अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, रूट, जिसमें ऐसे हेयर्स निकले होते हैं. फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता है, इसकी स्टेम बनती है, लीव्स बनती है, स्टेम बनती है, फ्लावर बनता है, फ्रूट्स बनता है. फ्रूट्स, ये फ्लावर जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं. सबसे पहले क्या बनेगा इसके अंदर, बर्ड. बर्ड मीन्स कली, बीयूटी. बर्ड मीन्स कली. कली से फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट बना. इस फ्रूट्स को हम खाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रूट्स. ठीक है, आपको समझ में आया प्लांट का स्ट्रक्चर? जमीन के नीचे का पार्ट रूट कहलाता है और ये जो है थिक पोर्शन, ये स्टेम कहलाता है, STEM स्टेम. और ये लीफ कहलाती है, देखिए LEAF लीफ. और ये पार्ट कहलाता है आपका फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स. और ये जो दिख रही है ये ब्रांचेस होती है. ब्रांचेस मतलब टहनियां, BRANCHES ब्रांचेस होती है. ठीक है, और ये होता है फ्लावर, FLOWER फ्लावर. फ्लावर हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना. हाँ, तो आपको इस तरह इस प्लांट का स्ट्रक्चर समझ में आया, आपको एक प्लांट का स्ट्रक्चर समझ में आया. ओके, इसी तरह आपको ये पार्ट्स ऑफ प्लांट समझ में आए, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट. क्या बोलते हैं, पार्ट्स
ऑफ प्लांट, इट मीन्स प्लांट के पार्ट्स। प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं? नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये रूट, और ये सेकंड क्या कहलाता है? स्टेम। नेक्स्ट इज फ्रूट्स लीव, और ये टहनियां निकली होती है, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। ये कली होती है। आप किसी फ्लावर का देखना, पहले कली आती है, रोज का फ्लावर देखा आपने? पहले ऐसी बर्ड आएगी, बर्ड मीन्स कली होती है, फिर उसके बाद क्या बनता है? फ्लावर बन जाता है, FLOW, फ्लावर। फ्लावर से फूड बन जाते हैं। समझ में आया आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट? ओके, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ टेक आउट ऑफ योर EVS बुक चैप्टर 5 पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 देखिए आप लोग, ठीक है? पेज नंबर 56 देखा आपने? ओके, यहाँ लिखा है न्यू वर्ड्स। क्या लिखा है ये? न्यू वर्ड्स, NEW, न्यू, WORDS, वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, नए शब्द। फर्स्ट वर्ड इज एलमेंट, ALMENT, एलमेंट मीन्स रोग। हमें वॉमिट आते ना अचानक, पेट दर्द होने लगता है, लाइक वैसे एलमेंट। सेकेंड वर्ड इज डिलीशियस, सेकेंड वर्ड इज डिलीशियस, DELICIOUS, DELICIOUS, डिलीशियस, स्वादिष्ट। हम भुट्टा कब खाते हैं पता है आप लोगों को? जानते हैं आप लोग कब खाते हैं? जल्दी बताइए। रेनी सीजन में, हम रेनी सीजन में भुट्टा खाते हैं ना। देखो ये बॉय भुट्टा खा रहा है, इसको कैसा लग रहा है? डिलीशियस, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीद, BREATH, ब्रीद। ब्रीद मीन्स सांस लेना, ब्रीद मीन्स सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड इज क्योर, CURE, क्योर। क्योर मीन्स इलाज। आपको खांसी हो जाती है ना, अभी विंटर का सीजन है तो हमें खांसी हो जाती है, तो मम्मा सिरप पिलाती है ना आपको, आपको मीठी मीठी लगती है ना वो खांसी वाली सिरप, हाँ वैसे देखो इसको भी अपना इलाज करना है। क्योर, क्योर मीन्स इलाज, CURE, क्योर मीन्स इलाज। नेक्स्ट वर्ड इज बेवरेज, BEVERAGE, बेवरेज। बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो हमें गरम गरम क्या अच्छी लगती है जल्दी बताइए? टी, कॉफी। मम्मा मिल्क भी पिलाती है इसके अंदर, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम? बेवरेज। ओके, पेय, जो हम गरम गरम पेय पदार्थ पीते हैं ना, चाय, कॉफी, मिल्क, उसको बोलते हैं बेवरेज। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पर देखिए आप, अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीड करना हम। ओके, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आप सब जानते हैं, अभी मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया ना पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं आपको, आप सभी ने देखा है, देखा है ना? गुड, समझ में आया आपको? वेरी गुड। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप करूंगी, आपको आंसर रिप्लाई करना है। ओके, डू यू नो दैट अ प्लांट ऑल्सो हैज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जस्ट एज वी डू? आप क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट पार्ट होते हैं? नाउ वी विल स्टार्ट। डू यू नो दैट अ प्लांट ऑल्सो हैज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जस्ट एज वी डू? जिस तरह हमारे पास बॉडी पार्ट होते हैं ना डिफरेंट, ऐसे प्लांट्स के पास भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो अभी आपको मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है। क्या आप जानते हैं सारे बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स जानते हैं? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या है वो प्लांट्स के पार्ट्स? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया ना आपको ये पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तब आप समझ ही गएंगे कि ये क्या है। रूट्स का, रूट्स जो है वो जमीन के अंदर वाला पार्ट होता है, स्टेम जिस पर ये ट्री खड़ा होता है, लीव्स देखिए ग्रीन कलर की होती है लीव्स, फ्लावर्स देखिए यहाँ पर, फ्रूट्स ये रहा आपका फ्रूट्स। समझ में आया आपको ये? मैंने ये बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है आपको। अब हम सबसे पहले, नाउ
root, ROOT, root. It is the part of the plant which grow under the ground. प्लांट का वह भाग जो जमीन के अंदर उगता है. ग्रो मीन्स उगना, अंडर मीन्स अंदर की साइड. ओके, ग्राउंड में अंदर की साइड जो पार्ट जमीन के अंदर होता है प्लांट का, उसे क्या कहते हैं हम? रूट. रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सोइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड मीन्स जमीन में से जो ये प्लांट की रूट्स होती हैं वो फिक्स रहती हैं. फिक्स मतलब जमी भी रहती हैं. जो प्लांट को मिट्टी के अंदर बिल्कुल जमा कर रखती हैं, ठीक है, और एंड एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब मतलब शोषित करना. जैसे आप किसी कागज़ के ऊपर पानी डाल देते हैं तो पानी कागज़ शोषित कर लेता है, ऐसे ही प्लांट की जो ये रूट्स हैं जमीन में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, और दूसरे पोषक तत्वों को भी जमीन से, ग्राउंड मीन्स जमीन, जमीन से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58, स्टेम, STEM, स्टेम. नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्टेम. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड. यह वह पार्ट है जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है. देखा आपने, देखिए यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था बोर्ड पर, ये पार्ट, ये स्टेम कहलाता है, जो प्लांट को सीधा खड़ा, ऐसे ऐसे खड़ा रखने में हेल्प करता है. इट हैज लीव्स, इसके पास क्या होती है? HS मतलब पास में क्या होती है? लीव्स होती है, फ्लावर्स होती है, एंड फ्रूट्स होता है. इस स्टेम के पास कितने सारे पार्ट होते हैं? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. स्टेम हेल्प्स, हेल्प्स मतलब मदद करना. स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड. स्टेम जो होती है वो इसको स्टैंड रखने में हेल्प करती है. स्टैंड मतलब खड़ा रखने में. देखिए ऐसे पेंसिल खड़ी की ना मैंने, ऐसे ही वो भी प्लांट को खड़ा रखने में हेल्प करती है. कौन करता है हेल्प? स्टेम. द स्टेम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ट्रंक. ट्री के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं. बहुत बड़ा होता है ना उसका स्टेम, इसलिए उसको TRUNK के ट्रंक बोलते हैं. नेक्स्ट लीव्स, LEAVES, लीव्स. लीव्स मतलब होती है पत्तियां. देखिए ये ग्रीन कलर की होती है. अब आप सोचो कि इसमें ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से ग्रीन कलर की होती है. आप एक लीव लेना, ओके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं. एक लीव लेना, लुक एट दिस लीव. इस लीव को देखो आप, ये भी ग्रीन कलर की है ना. देखा आपने ग्रीन कलर की? हाँ. अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लीव्स आर यूजली ग्रीन इन कलर. देखिए ग्रीन कलर की होती है लीव्स. क्या होती है? यूजली मतलब मुख्यतः ग्रीन कलर की होती है. द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज. देखिए डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है, और उन लीव्स का शेप और साइज अलग अलग होता है. देखिए आप ये इस लीव का शेप देखिए आप, और इस लीव्स का शेप देखिए आप. डिफरेंट डिफरेंट होता है ना शेप, और ये ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इनका शेप और साइज अलग अलग होता है. इसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए आप, दिख रहा है ना? वेरी गुड. दे हेल्प द प्लांट्स टू ब्रीद एंड मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ये जो लीव्स होती हैं ये क्या हेल्प करती है? प्लांट को ब्रीद करने में. एंड मेक मतलब बनाना, देयर फूड उनके लिए खाना बनाने में हेल्प करती है. विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जब सूरज की लाइट इस लीव्स के ऊपर आती है तो ये क्या करती है? एक तो ब्रीद करती है,
सांस लेती हैं। आप सोच रहे होंगे सांस कैसे लेती होंगी, इसमें स्टोमेटा होते हैं, बारीक बारीक छेद जैसे हमारी स्किन पे होते हैं ना, ऐसे इसके अंदर भी स्टोमेटा होते हैं। आप सब अपने हैंड्स देखो, हैंड्स के ऊपर बारीक बारीक छेद बने हुए, छिद्र बने हुए ना, ऐसे ही सेम इस लीव्स के अंदर भी होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन करते हैं और ये खाना बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे हो खाना कैसे बनाते होंगे, इसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी इस लीव के ऊपर पड़ती है तो सूरज की रोशनी और लाइट मिलती जिससे इनको, और हीट मिलती इनको, और जमीन से जो रूट होती है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मॉइस्चर और अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये खाना बनाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसलिए इन्हें किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए लीफ के अंदर क्या होता है, आप इसको ऐसे बैंड कीजिए, इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, चिपचिपा सा पदार्थ दिख रहा है ना आपको, मैं दिखा रही हूं ना आपको, इसको बैंड किया, टर्न किया हमने, टर्न किया तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसी से ये, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट, चिपचिपा सा पदार्थ आ रहा है देखो हमारे हाथ में, तो इसी से ये भोजन बनाते हैं। समझ में आया आपको लीफ के बारे में, गुड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्लावर। फ्लावर देखा है आपने, देखिए फ्लावर ऐसा होता है, देखा आपने फ्लावर, समझ में आ रहा है फ्लावर, वेरी गुड। अब देखिए ये फ्लावर है, ये इसकी स्टेम है, स्टेम दिख रही है आपको, ये रही स्टेम, देखिए ये स्टेम है इसकी, ये इसकी ब्रांच है जो मैंने बोर्ड पर बताया था आपको, ब्रांचेस देखो आप, ये ब्रांच है इसकी, दिख रही है ये ब्रांच आपको, ये ब्रांच है। अब मैंने आपको बताया था बर्ड, ये बर्ड होती है, देखिए आप इसमें बर्ड दिखेगी आपको, बर्ड मीन्स कली, बर्ड मीन्स कली, और इससे क्या बन गया ये फ्लावर, क्या बना आपका फ्लावर बन गया है। समझ में आया, इस फ्लावर से क्या बन जाता है, फिर फ्रूट बन जाता है, किसमें टर्न हो जाता है ये फ्लावर, रूट फ्रूट में टर्न हो जाता है। ये जो फ्लावर होते हैं पहले बर्ड बनते हैं, बर्ड मीन्स कलियां, देखो दिख रही ना आपको कलियां, फिर क्या बन जाता है ये फ्लावर, फ्लावर किसमें टर्न आउट हो जाते हैं, फ्रूट्स में। समझ में आया आपको पूरा, ठीक है, स्टेम लीव्स ब्रांचेस, देखिए ब्रांच, ब्रांच दिख रही है ना अलग अलग, ये बर्ड, बर्ड कहां है आपकी, ये बर्ड्स बनी हुई है देखो, ये रही बर्ड्स आपकी, बर्ड्स दिख रही है इसमें, छोटी छोटी सी बर्ड्स बनी हुई है इसके अंदर, और फिर ये फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम फ्लावर के बारे में रीड करेंगे। फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव फ्लावर्स, मुख्यतः बहुत सारे सभी प्लांट्स के पास फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ना सभी के पास, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी आपने देखा था ना ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, यूजली विद अ स्वीट स्मेल, बहुत ही स्वीट स्मेल आती है इसके अंदर, दे स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना, देयर फ्रेग्रेंस, ये अपनी फ्रेग्रेंस फैलाते हैं, अपनी सुगंध को दूर दूर तक फैलाते हैं, एवरीवेयर सभी तरफ अपनी फ्रेग्रेंस को स्प्रेड कर देते हैं। रोज, रोज देखा है आपने सभी ने, रोज लीली एंड मैरीगोल्ड आर द सम फ्लावर्स दैट कैन बी फाउंड अराउंड अस, हमारे चारों तरफ अधिकतर कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, रोज होता है हमारे घर में होता है, लिली एंड मैरीगोल्ड, ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। फ्रूट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्रूट्स, देखिए फ्रूट्स के बारे में, आप सबको फ्रूट्स पसंद है, आई लाइक फ्रूट्स, आपको कौन सा फ्रूट्स अच्छा लगता है जल्दी बताइए, मैंगो, वेरी गुड, आप सबको मैंगो पसंद है, हाँ लेकिन अब मैंगो का सीजन गया, अब तो विंटर सीजन चल रहा है हमारा। फ्रूट्स, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स टर्न इनटू द फ्रूट्स, अभी आपने देखा ना मैंने आपको बताया था कि बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होती है, और फ्लावर किस में टर्न हो जाते हैं, फ्रूट्स में टर्न हो जाते हैं। दे ऑफन टेस्टी स्वीट, उनका टेस्ट कैसा होता है, बहुत मीठा होता है, एप्पल आप खाते हैं, मैंगो खाते हैं आप, और ये आपका फेवरेट फ्रूट्स मैंगो। व्हेन द फ्रूट इज नॉट डेवलप्ड,
जब फ्रूट्स अपने डेवलप नहीं होते हैं, इट इज ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर में रहते हैं, एंड इज सेड टू बी अनरिप. फ्रूट्स, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स टर्न इनटू फ्रूट्स. फ्लावर्स किस में टर्न आउट हो जाते हैं? फ्रूट्स में. ये मैंने आपको बताया था अभी. दे ऑफन टेस्ट स्वीट, उनका प्रायः, मतलब ऑफन मीन्स प्रायः या हमेशा, हमेशा उनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट. अच्छे लगते हैं ना, मीठे लगते हैं ना आपको फ्रूट्स. आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो, जो आप समर में खाते हैं. खाते हो ना आप लोग? बनाना, एप्पल, आप सारे फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन आपको मैंगो ज्यादा पसंद है. व्हेन द फ्रूट्स इज नॉट डेवलप, जब फ्रूट्स डेवलप नहीं होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, वह ग्रीन कलर में रहता है. इज सेड टू बी अनराइप. अनराइप मतलब कच्चा फ्रूट. जैसे कि आपने मैंगो देखा है, कच्ची केरियां आती है ना, देखी ना आपने. और आपने अभी गुआवा देखा होगा, जब वो पका हुआ नहीं होता है तो कच्चा कच्चा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर में रहता है. तो जो ग्रीन कलर में रहता है तो वो अनराइप कहलाता है. अनराइप मतलब कच्चा, और राइप मतलब पका हुआ. एप्पल, बनाना एंड मैंगो आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रूट्स. कौन कौन से एग्जाम्पल है फ्रूट्स के? एप्पल, बनाना एंड मैंगो. फ्रूट्स हैव सीड्स विद इन इट. फ्रूट्स के अंदर, अंदर की तरफ क्या होते हैं? सीड होते हैं, लेकिन बनाना में नहीं होता है. किस में होता है? एप्पल में होते हैं. मैंगो में बहुत बड़ा सीड होता है, आप सबने देखा है ना. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 59 पर आप देखिए, ये लिखा है प्रैक्टिस जोन वन. लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट मार्क विद एरोज. आपको इस पूरे पार्ट को जो एरो बने हुए हैं उनको लेबल करना है, इनके नाम लिखने हैं, जो मैंने आपको बोर्ड पर बताए थे. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन ब्लो. आपको ये हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, ठीक है, इसकी हेल्प से आपको इन सबके नेम लिखने हैं. अब आप खुद लिखेंगे, क्योंकि मैम ने आपको 2 times एक्सप्लेन कर दिया है, 1 time बोर्ड पर और 2nd time अपनी बुक में. और मैम ने प्लांट भी बताया है आपको, छोटा सा पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए, देखो, ठीक है. तो आप इस टाइप से इसमें बुक में फिल करेंगे. यहाँ HW लिखिए आप, इसे घर पर करेंगे आप. मैं आपको समझा देती हूँ क्या है ये, जल्दी बताइए क्या है ये. फ्लावर, फ्लावर है ना, ये क्या है? लीफ. नेक्स्ट फ्रूट, नेक्स्ट स्टेम, एंड लास्ट वन, जल्दी बताइए क्या है ये? रूट. इट मींस आपने लेसन बहुत ध्यान से पढ़ा है. ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. क्या पढ़ेंगे अब हम? जर्मिनेशन ऑफ अ सीड, सीड का अंकुरण, सीड कैसे बन, सीड से कैसे पौधा ग्रो हो जाता है, वो चीज पढ़ेंगे आज हम. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वह प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया द्वारा जिसे सीड, सीडलिंग के द्वारा जर्मिनेशन करता है. आप जमीन में एक मूंगफली का दाना या बीन्स या दाल का दाना देखना, आप डालकर किसी गमले में घर पर आप ट्राई करना. आप किसी गमले में चने का दाना या मूंगफली का दाना डाल देना, उसको फिर थोड़ा थोड़ा पानी रोज रोज देते रहना, ज्यादा पानी नहीं देना, गीली मिट्टी में उसको दबा देना, फिर उसके ऊपर पानी डालना, ठीक है. आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वह इस टाइप से ग्रो हो जाएगा, धीरे धीरे जमीन वो ग्रो होगा, उसकी 2 leaves बनेगी. सबसे पहले जमीन में इसकी रूट बनना स्टार्ट हो जाएगी. ये सीड है आपका, ये न्यू बॉर्न प्लांट, इसे क्या बोलेंगे? न्यू बॉर्न प्लांट. धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, इसको ग्राउंड में से क्या मिलता है? वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे पोषक तत्व, और मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, और ऊपर से सनलाइट मिलती है, जिससे इनकी लीव्स खाना बनाती हैं, और ये धीरे धीरे ग्रो करता है. देखिए ये प्लांट में कवर्ड हो गया,
सॉरी कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लांट में। सीड से क्या हुआ, देखा आपने, पूरा न्यू बॉर्न प्लांट बना, फिर प्लांट बन गया। आया समझ में? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वह प्रोसेस जिससे सीड के द्वारा सीडलिंग होती है और वो जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, सीडलिंग मतलब अंकुर होना। धीरे धीरे सीड अंकुर बना और फिर वो जर्मिनेट हो गया। अ सीडलिंग इज द न्यू बॉर्न प्लांट विथ टू और थ्री यंग लीव्स। जब सीडलिंग होती है, अंकुरित होता है कोई बीज, तो उसमें न्यू बॉर्न प्लांट बनता है। उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, टू या थ्री यंग लीव्स बनती है। देखिए, टू लीव्स या थ्री लीव्स बनती है। विथ टाइम दिस यंग प्लांट ग्रो इन टू द बिग प्लांट। कुछ समय बाद वह प्लांट में बन जाता है, ग्रो करके प्लांट बन जाता है और फिर बड़ा प्लांट बन जाता है। देखो, रेन वाटर हो रहा है सीड के ऊपर। सीड पहले हमने सीड जमीन में बोया या किसी गमले में बोना, आप देखना, आप उसमें रेन वाटर हुआ, आप अपने हाथ से पानी डालना उसके अंदर और फिर वो जर्मिनेट होगा, उसमें टू या थ्री यंग लीव्स बनेगी और फिर वो बिग प्लांट बन जाएगा। धीरे धीरे ग्रो करके क्या बन जाएगा, वो बिग प्लांट बन जाएगा। समझ में आया आपको? ओके, ये प्रैक्टिस जोन टू है। क्या है प्रैक्टिस जोन टू? नंबर द पिक्चर टू शो द ऑर्डर इन विच अ प्लांट ग्रो। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है। पिक्चर देखो और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें नंबर लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए। आपके हाथ में पेंसिल लीजिए, होल्ड योर पेंसिल, इसमें नंबरिंग कीजिए आप। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ लिखिए वन नंबर। हमने जमीन में क्या करा, सीड डाला पहले तो। ओके, जमीन में हमने सीड डाला। नेक्स्ट, धीरे धीरे जर्मिनेट होगा वो, ये टू नंबर। फिर उसमें क्या बनेगा, सबसे पहले टू लीव्स, फिर थ्री लीव्स, फिर क्या बनता है, धीरे धीरे ग्रो करके वो बिग प्लांट बन जाता है। समझ में आया आपको? ओके, नाउ अब हम राइम रीड करेंगे। कौन सा टाइम हुआ, राइम टाइम। द सीड्स वी प्लांट टूडे, द सीड्स वी प्लांट टूडे विथ सन रेन एंड केयर विल गिव द शेड, will give the shed to living being everywhere, to living being everywhere। it means अब हम एक सीड लेंगे जिससे हम प्लांट बनाएंगे। ठीक है, हम भी घर पे करके देखेंगे ऐसा। हम एक सीड लेंगे जिससे हम प्लांट को ग्रो करेंगे। वो प्लांट की केयर कैसे करेंगे, उसको सनलाइट मिलेगी, रेन से क्या मिलेगा, रेन ड्रॉप मिलेगी या फिर आप खुद आप पानी देंगे और उसकी केयर करेंगे। फिर वो हमें क्या देगा, शेड देगा, छांव देगा और हम सबको जीवित रहने के लिए आसपास जितनी भी सजीव चीजें हैं उन सबको वो जीवित रखेगा। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ गार्डनर वर्किंग इन अ गार्डन। क्या तुमने देखा है कि किसी गार्डन में गार्डनर को वर्क करते हुए, गार्डनर मतलब मालिक होते हैं ना, अपने गार्डन की देखभाल करने वाले अंकल, उनको क्या बोलते हैं, गार्डनर, जो गार्डन में काम करते हैं। क्या आपने देखा है, ही यूजेस टूल्स, किसका यूज करते हैं, वो टूल्स का यूज करते हैं टू मेक द गार्डन ब्यूटीफुल। किस लिए करते हैं वो टूल्स का यूज, देखो कितने सारे टूल्स रखे हैं इनके, और शॉवर रखा है वाटरिंग करने के लिए, तो आप भी इसे शॉवर से उनको वाटरिंग करना अपने घर पर। वो टूल्स का यूज करके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। कम, आओ, लेट अस मीट हिम, आओ हम उनसे मिलते हैं। एंड KNOW नो द नेम्स ऑफ द टूल्स दैट ही यूजेस। आओ हम उनसे मिलते हैं और उनके टूल्स के नेम को जानते हैं जिनको वो यूज करते हैं। ठीक है, ये गार्डनर हैं, अब इनके टूल्स के बारे में हम जानते हैं। ये कौन सा टूल है, स्पैच, वाटरिंग कैन, आप भी ऐसे वाटरिंग कैन का यूज करना, हैंड ट्रॉवल, स्पेडिंग,
फॉर। ओके नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। हाउ डज अ प्लांट ग्रो, प्लांट कैसे ग्रो होता है, यह हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए मैंने आपको पहले भी सीडी के बारे में बताया था, अब अगेन बता रहे हैं आपको। पेज नंबर 62 पर हाउ डज अ प्लांट ग्रो, प्लांट कैसे ग्रो होता है। आपने देखा था ना, पहले हम सीड बोते हैं, सीड को जमीन में डालते हैं, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, न्यू बॉर्न प्लांट बनता है। उसमें क्या होता है, टू लीव्स बनती है या थ्री लीव्स बनती है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। द गार्डनर ग्रोज ब्यूटिफुल प्लांट इन द गार्डन, गार्डनर जो है गार्डन में बहुत ही ब्यूटिफुल प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ही मेक श्योर द प्लांट गेटिंग द थिंग दैट इट नीड्स टू ग्रो, ही मेक श्योर द प्लांट गेट्स द थिंग दैट नीड्स टू ग्रो। हाउ डज द प्लांट ग्रो, प्लांट कैसे ग्रो होता है। द गार्डनर ग्रोज ब्यूटिफुल प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डनर जो होता है वो गार्डन में बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ही मेक, वे बनाते हैं श्योर द प्लांट गेट्स द थिंग्स दैट इट नीड्स टू ग्रो, वो प्लांट्स को ग्रो करने में जिन जिन चीज़ों की थिंग्स मतलब वस्तुओं की जरूरत होती है, जिन टूल्स की जरूरत होती है, उनका यूज करके उनको बहुत सुंदर बनाते हैं। अ प्लांट नीड्स सॉइल्स, किस चीज की नीड्स होती है उनको, सॉइल की नीड्स होती है, सॉइल मीन्स मिट्टी, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, वाटर एयर एंड वार्म्थ, वार्म्थ मतलब गर्मी, टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत होती है, सनलाइट की होती है, वाटर की होती है, एयर की होती है, और उनको थोड़ा सी गर्मी की जरूरत होती है। इफ एनी ऑफ दिस थिंग्स इज नॉट अवेलेबल टू अ प्लांट देन इट मे नॉट ग्रो प्रॉपरली इनटू प्रॉपरली और इट मे डाई, डाई मतलब मर जाना। इसका मतलब होता है इफ मतलब यदि ये सभी थिंग्स अवेलेबल नहीं होगी उन प्लांट्स को तो वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे और वो डाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाई मतलब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, डू यू डू एंड डिस्कवर, करो और डिस्कवर कीजिए। टेक सम सीड्स, कुछ सीड्स लीजिए आप, कीप देम इन अ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट क्लोथ, उनको सॉफ्ट और गीले कपड़े में रखिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। व्हेन यू ओपन द क्लोथ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे इसमें रूट्स आ जाएंगी, ये ग्रो करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे रूट्स आ जाएगी, ये ग्रो करने लग जाएगा। आप एक गीला कपड़ा लेना, उसमें कुछ सीड्स को बांधना, जैसे कि आप मूंग लीजिए, अदर सीड्स लीजिए, चना लीजिए, उसको पानी में गलाइए मॉर्निंग में, और नाइट में उसको गीला कपड़ा लेकर उस सीड को रख दीजिए। क्या करोगे आप, मॉर्निंग में एक बाउल के अंदर चना और मूंग लीजिए, उनको थोड़ा सा गला दीजिए पानी में, उतना डुबो दीजिए कि वो पूरे डूब जाए। एक बाउल के अंदर डुबो लिया उनको, फिर नाइट में क्या करोगे, एक गीला कपड़ा लोगे, सॉफ्ट और मॉइस्ट क्लोथ, सॉफ्ट मतलब मुलायम, मॉइस्ट मतलब गीला कपड़ा लीजिए, उसमें उनको रख दीजिए। आप नेक्स्ट डे उसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे उसमें रूट्स बन जाएगी, वो ग्रो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल रहा था, नमी मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, पार्ट्स ऑफ प्लांट वी ईट, प्लांट का वो पार्ट जिसे हम खाते हैं। हम कौन कौन से प्लांट खाते हैं, प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट हमें फूड देते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज सीड रूट स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स, हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के सीड्स रूट स्टेम लीव्स और फ्रूट्स खाते हैं। डिफरेंट पार्ट को खाते हैं हम लोग, कौन कौन से पार्ट खाते हैं, देखिए सीड्स डाले खाते हैं हम, रूट्स, रूट्स में क्या आता है आपकी ये कैरोट टर्निप रेडिश आती है, और स्टेम, हम स्टेम खाते हैं, किसकी स्टेम खाते हैं, पोटैटो लोटस स्टेम शुगर केन इनकी स्टेम खाते हैं। लीव्स, लीव्स किसकी खाते हैं हम, आप अभी सर्दी का टाइम है आप पालक मेथी खाते हैं ना, तो वो हम लीव्स खाते हैं, धनिया खाते हैं, कोरिएंडर,
एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स हम सभी खाते हैं, तो हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को हम खाते हैं। इट मीन्स प्लांट हमें फूड देता है। गिव मीन्स देना, कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का, वीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स चावल आर सम सीड्स दैट वी ईट, ये सीड्स हम खाते हैं। देखिए ग्रीन वाला पार्ट में लिखा हुआ SEEDS, सीड्स। हम कौन कौन से सीड्स खाते हैं? कॉर्न, वीट एंड राइस आर सम सीड्स दैट वी ईट, हम इतने सारे सीड्स खाते हैं। कॉर्न मीन्स मक्का, वीट मीन्स गेहूं, राइस मीन्स चावल, हम इन सीड्स को खाते हैं। डू यू नो, आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं द पॉपकॉर्न इज प्रिपेयर फ्रॉम द कॉर्न। आप मार्केट में जाते हो, किसी मेले में जाते हो, फेयर में जाते हो, आप किसी मैरिज में जाते हो, तो वहां पॉपकॉर्न मिलते हैं ना आपको, तो वो किससे बनते हैं? कॉर्न से। कॉर्न क्या होता है? मक्का। क्या आप जानते हैं कि आप जो पॉपकॉर्न खाते हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं? कॉर्न से। द चपातीज दैट वी ईट एट होम आर मेड ऑफ फ्लोर, फ्लोर विच इज प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट। द चपातीज दैट वी ईट, जो चपाती हम खाते हैं हमारे घर पर, आर मेड ऑफ फ्लोर विच इज प्रिपेयर फ्रॉम व्हीट, वो गेहूं से आटा बनता है और आटे के द्वारा हम चपाती बनाते हैं। मम्मी आटा लगाती है, चपाती बनाती है ना, देखा होगा आपने। नेक्स्ट, आप सब राइस भी खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, वीट खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूट, ROOTS, रूट्स। हम कौन कौन सी रूट्स खाते हैं? कैरोट, रेडिश एंड टर्निप आर सम प्लांट्स रूट, ये प्लांट्स की कुछ रूट्स हैं दैट वी जिनको हम खाते हैं। दीज आर कुक्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट करीज, हम डिफरेंट तरह से इनको कुक्ड करते हैं। कैरोट एंड रेडिश आर ऑल्सो ईटन रॉ इन सैलाड, सैलेड्स में खाते हैं हम लोग। कैरोट एंड रेडिश आर ऑल्सो ईटन रॉ इन सैलेड्स, सैलेड्स में हम कैरोट और रेडिश खाते हैं। वी ऑल्सो प्रिपेयर पिकल्स फ्रॉम कैरोट्स एंड टर्निप, हम पिकल्स भी इनसे प्रिपेयर करते हैं, कैरोट्स और टर्निप से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेम, स्टेम STEM, स्टेम, स्टेम रीड करेंगे STEMS, स्टेम्स। कौन कौन सी स्टेम्स खाते हैं हम? वी ऑल्सो ईट द स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स की स्टेम्स भी खाते हैं। शुगर कैन, लोटस स्टेम, शुगर कैन क्या होता है? गन्ना। लोटस स्टेम कमल की स्टेम एंड पोटेटो आर सम स्टेम ऑफ प्लांट, शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर कैन, हमारे यहाँ जो शक्कर होती है जो हम मिल्क में डालते हैं, टी में डालते हैं, हलवा में डालते हैं, तो कहाँ से बनती है? वो शुगर कैन से बनती है। लोटस स्टेम इज यूज टू प्रिपेयर अ करी, लोटस स्टेम से करी बनती है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पर हम रीड करेंगे लीव्स, LEAVES, लीव्स। एक्सप्लेन बोलिए मैम के साथ, LEAVES, लीव्स। The leaves of some plants are commonly eaten by us. Plants की कई plants ऐसे जिसके हम leaves खाते हैं, जैसे cabbage, cabbage means पत्ता गोभी, देखी आपने cabbage खाते हैं हम लोग। spinach खाते हैं हम, पालक and fenugreek, it means मेथी, मेथी खाते हैं हम। आर सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ग्रीन मीन्स हरी, लीफी मीन्स पत्तीदार और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अंडरस्टूड? दे आर वेरी गुड फॉर अ हेल्दी बॉडी, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फल, वी ऑल लाइक ईटिंग फ्रूट्स, हम सबको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। सम आर स्वीट लाइक मैंगोज एंड सम आर
टंगी लाइक ऑरेंज. मीठे में कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है आपको? मैंगो. और ऑरेंज कैसा होता है? टंगी, खट्टा मीठा. जैम्स एंड जेलीज आर ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम फ्रूट्स. आप जैम खाते हो ना, जैम और जेलीज खाते हो आप, तो किससे प्रिपेयर होती है? प्रिपेयर मतलब बनना. किससे बनती है वो? फ्रूट से बनते हैं सब. अंडरस्टूड? प्रैक्टिस जोन थ्री देखिए आप. प्रैक्टिस जोन थ्री, सर्कल द ओड वन आउट. इसमें से आपको सर्कल ओड वन करना है. इट मीन्स लीव्स दैट वी ईट. हम कौन कौन से लीव खाते हैं और जो लीव्स नहीं है उसको आपको सर्कल करना है. ठीक है, सर्कल द ओड वन आउट. इसमें से किसी एक को ओड वन करना है आपको. तो आप कौन सी लीव्स खाते हो? कोरिएंडर खाते हैं, धनिया आप सब, स्पिनच खाते हैं, पालक खाते हैं हम. और ये क्या है? पोटैटो. पोटैटो क्या होती है जल्दी बताइए? फ्रूट है, रूट है या स्टेम है? वेरी गुड, ये स्टेम है. क्या है ये? स्टेम. तो ये लीफ नहीं है, ये स्टेम है. इस पर ऐसा सर्कल कर लीजिए आप. जब भी मैम लेसन रीड कराती हैं आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए. नेक्स्ट पेज 65, पेज नंबर 65 पर देखिए आप. प्रैक्टिस जोन का ये फ्रूट्स दैट वी ईट. अब आप कौन सा फ्रूट खाते हैं? क्या सबसे पहले तो आप देखिए इसमें से कौन सा फ्रूट है और कौन सा वेजिटेबल है. क्या ये रेडिश फ्रूट है आपकी? नहीं. एप्पल फ्रूट है? वेरी गुड, यस कह रहे हैं आप लोग. बनाना फ्रूट है? यस, वेरी गुड. तो किसे आउट वन करेंगे आप? किसे आउट करेंगे आप? सर्कल कहाँ लगाना है आपको जल्दी बताइए? रेडिस पर. आपने रेडिस को सर्कल कर दिया. सी नंबर देखिए आप. आपने ए नंबर किया, बी नंबर किया, अब सी नंबर देखिए. सीड्स दैट वीट. हम कौन से सीड्स खाते हैं? कॉर्न खाते हैं हम, वीट खाते हैं. क्या टर्निप सीड है? नहीं है ना. टर्निप सीड नहीं है. इसको टर्निप को आप सर्कल कर दीजिए. रूट्स दैट वीट. हम रूट्स खाते हैं लेकिन इसमें से कोई एक रूट नहीं है. क्या नहीं है? टर्निप रूट है. क्या ऑरेंज रूट है? नहीं है. और कैरोट रूट है? यस. तो ऑरेंज क्या है? फ्रूट है. इसको आपने सर्कल कर दिया. ई नंबर देखिए अब आप. डी भी कंप्लीट हो गया आपका, ई देखिए आप. स्टेम दैट वी ईट. हम कौन कौन सी स्टेम खाते हैं? क्या पोटैटो स्टेम है? यस. कैरोट क्या है? आपकी रूट. और सुगर केन क्या है जल्दी बताइए? सुगर केन क्या है? स्टेम. तो आपको सर्कल किस पर करना है? कैरोट पर. CARROT कैरेट पर आपने सर्कल किया. सभी को समझ में आया? आपको इन सभी में से किसी एक को ऑड वन करना था. ऑड वन आउट, किसी एक को आउट करना था. इन थ्री में से आपने पोटैटो को आउट किया क्योंकि दोनों लीफ है. फ्रूट्स में से आपने वेजिटेबल को सर्कल किया. सीड में से आपने टर्निप को सर्कल किया क्योंकि टर्निप सीड नहीं होता है. रूट में से आपने फ्रूट्स को सर्कल किया. ऑरेंज एक फ्रूट है, ये रूट नहीं होता है. स्टेम, इसमें से टू स्टेम है, पोटैटो स्टेम है और सुगर केन स्टेम है. और कैरोट क्या है? आपकी रूट. समझ में आया ना आपको? ओके. पेज नंबर 66, थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट. थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं. वी मीन्स हमें, गेट मीन्स मिलना. प्लांट से हमें जो वस्तुएं मिलती हैं उनके बारे में रीड करेंगे. फ्रॉम मीन्स होता है से. प्लांट से हमें जो वस्तुएं मिलती हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम फूड. हमें फूड से प्लांट से फूड तो मिलता ही है लेकिन हमें अदर थिंग्स भी मिलती है. वो क्या है? प्लांट्स गिव अस मैनी अदर थिंग्स सच एज फूड, फाइबर, स्पाइसेस, ऑयल, मेडिसिन एंड बेवरेजेस. इसका मतलब होता है प्लांट्स हमें क्या देते हैं? दूसरी चीजें. वुड देते हैं, फाइबर देते हैं. वुड मीन्स लकड़ी, फाइबर मीन्स जो हम क्लॉथ पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ किससे बनता है? कॉटन प्लांट से बनता है. ऑयल, सॉरी स्पाइसेस, मसाले किससे बनते हैं? प्लांट से बनते हैं. ऑयल भी प्लांट से मिलता है. मेडिसिन प्लांट से बनती है. तुलसी से मेडिसिन बनती है, नीम से मेडिसिन बनती है एंड बेवरेजेस, पेय पदार्थ भी हमें प्लांट से मिलते हैं. नाउ लुक एट दिस वुड. वुड प्लांट. प्लांट से हमें क्या मिलता है? वुड. W O O D, वुड मीन्स लकड़ी. प्लांट से हमें क्या मिलता है पहले?
वुड मिलता है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप, वुड मिल रहा है प्लांट से। गिव टिम्बर टू मैक फर्नीचर डोर्स विंडो इटीसी। टिम्बर प्लांट से हमें वुड मिलती है जिससे हमें क्या बनता, हमारे लिए क्या बनता है, फर्नीचर बनता है जिस पर हम पढ़ाई करते हैं, डोर बनते हैं हमारे घर के, विंडोज बनते हैं हमारे स्कूल और घर में जो डोर्स और विंडोज होते हैं, और जो फर्नीचर होता है वो किससे बनता है, वुड से बनता है। नेक्स्ट कॉटन, COTTON, कॉटन, कॉटन प्लांट होता है। देखिए आप, इसमें ये कॉटन बनती है, इस कॉटन से हम फाइबर बनाते हैं। गिव्स फाइबर टू मेक क्लॉथ, फाइबर से क्लॉथ बनते हैं, कॉटन के फाइबर होते हैं उससे क्लॉथ बनाते हैं, बैग्स बनते हैं, मैट्स बनती है ETC। जूट प्लांट होता है, उससे हमें बैग्स बनाए जाते हैं, मैट बनाई जाती है। अंडरस्टूड। कोकोनट, COCONUT, कोकोनट प्लांट आपने देखा होगा, कोकोनट का ट्री। आप लोग नारियल पानी पीते हैं तो आपने कोकोनट प्लांट मूवीज में, टीवी में देखा होगा। गिव्स ऑयल, कोकोनट हमें क्या देता है, ऑयल देता है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए ऑयल देता है। चिली, CHILLI, चिली, चिली क्या होती है, मिर्ची। यूज्ड एज अ स्पाइस टू मेक फूड स्पाइसी एंड डिलीशियस। चिली का यूज हम क्यों करते हैं, इससे हमारा फूड स्पाइसी और डिलीशियस बने। नीम, नीम का यूज क्यों होता है, नीम एज अ मेडिसिन। नीम क्या है, एक मेडिसिन है टू क्योर एलिमेंट्स लाइक स्किन डिसीज एंड गम प्रॉब्लम्स। इसका यूज देखिए किस काम में होता है, नीम का यूज मेडिसिन में होता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिसीज हो जाती है तो उसके लिए नीम का यूज होता है, और आपके माउथ के अंदर टीथ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टी, TEA, ये एक बेवरेज है, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ। टी गिव्स टी लीव्स, टी जो है हमें टी लीव्स देता है। डेट आर यूज टू प्रिपेयर बेवरेज टू रिफ्रेश अस। टी लीव्स से एक ऐसा पेय पदार्थ मतलब इट मीन्स टी तैयार की जाती है जो हमें रिफ्रेश रखती है। अंडरस्टूड। पेज नंबर 67, प्रैक्टिस जोन 4। यहां देखिए आप, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। कॉलम ए कॉलम बी, फर्स्ट लिखा है WOOD, वुड, वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी आपको किससे मिलती है, मैच कीजिए आप पूरा देखिए आप, क्या लकड़ी इससे मिलती है आपको, देखते जाइए। किससे मिली लकड़ी आपको, ट्री से। किससे मिली आपको लकड़ी, ट्री से, तो आप यहां ए लिख दीजिए। ओके, सभी ने ए मेंशन किया। बी नंबर पे देखिए, OIL, ऑयल। ऑयल किससे मिलता है आपको, कोकोनट से। यहां आप बी मेंशन कर दीजिए। फाइबर, फाइबर किससे मिलता है आपको, सॉरी, फाइबर से क्या बनता है आपका, बैग। अब आप सोच रहे होंगे बैग कैसे बना, आपने जूट प्लांट देखा, जूट प्लांट से बैग तैयार किए जाते हैं। बेवरेजेस, बेवरेज से क्या बनता है, टी, कॉफी। ओके, आप यहां डी मेंशन कीजिए। स्पाइस किससे बनाइए, चिली। समझ में आ गया आपको, सभी ने मेंशन किया। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68 पर देखिए आप, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। गिव मीन्स क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूं, देना। गिव मीन्स देना, प्लांट्स हमें देते हैं, अस मीन्स हमें, फ्रेश एयर, प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं। वी मस्ट प्लांट देम एवरीवेयर, वी मस्ट प्लांट देम एवरीवेयर, इसलिए हमें सभी जगह प्लांट्स को उगाना चाहिए। हम सभी जगह प्लांट्स देखते हैं ना, इसलिए हमें सभी जगह प्लांट्स उगाना चाहिए क्योंकि हमें फ्रेश एयर मिलती है। देयर इज नो ग्रीनरी विदाउट देम, बिना ग्रीनरी के हम नहीं रह सकते हैं। वी गेट फूड इवन फ्रॉम देयर रूट्स एंड स्टेम, हमें प्लांट से फूड मिलता है और
वी गेट प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर, प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं. वी मस्ट प्लांट देम एवरीवेयर, इसलिए हमें प्लांट्स सभी जगह प्लांट्स उगाना चाहिए, इसलिए हमें सभी जगह प्लांट्स उगाना चाहिए. देयर इज नो ग्रीनरी विदाउट देम, उनके बिना हरियाली नहीं है. वी गेट फूड इवन फ्रॉम देयर रूट्स एंड स्टेम, प्लांट से हमें रूट और स्टेम भी मिलती है. प्लांट्स गिव अस सो मैनी यूजफुल थिंग्स, प्लांट्स हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स देते हैं. यूजफुल मीन्स हमारे उपयोगी के लिए, हमारे उपयोग के लिए प्लांट्स हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. वी शुड थैंक देम बाय टेकिंग केयर ऑफ देम, हमें उनकी केयर के बारे में सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए. वी शुड वॉटर द प्लांट्स इन आर गार्डन एंड पार्क, हमें गार्डन और पार्क में, हमें हमारे गार्डन और पार्क में प्लांट्स को वाटर देना चाहिए. वाटर कैन से वाटर देना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उनकी प्रोटेक्ट करना चाहिए. प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना चाहिए. आपको लेसन समझ में आया? आज हमने लेसन चैप्टर 5 रीड किया है. अब आपको घर पर रीड करके मम्मा को समझाना है. ओके.